आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से है, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला पयागपुर इलाके से है, जहां टिल्लू मोटर से पानी चलाने की बात को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि भतीजे ने आक्रोश में आकर अपने चाची और चाचा को फावड़े से मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ग्राम चंदवापुर गांव का है पूरा मामला, जहां श्याम मनोहर मोटर से अपने खेत में पानी लगा रहे थे। इसी बीच नाली का पानी पड़ोसी छोटू के घर में चला गया। इस मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया और विवाद इस कदर बढ़ा कि श्याम मनोहर के भतीजे छोटू एवं उसके भाइयों ने मिलकर फावड़े से अपने चाचा चाची को मौत के घाट उतार दिया। फावड़े से वार इस कदर किया गया था कि घायल श्याम मनोहर एवं उसकी पत्नी श्यामा देवी ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। वही घटना की सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची पयागपुर पुलिस ने जांच करना शुरू कर दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि एक आरोपी पुलिस के गिरफ्त में पहुंच चुका है, अन्य की तलाश जारी। बीती रात लगभग 9:30 बजे थाना पयागपुर के ग्राम चंदवापुर में चाचा भतीजे के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें कि घटना से पूर्व भतीजा अपनी पत्नी को मारपीट और गाली गलौज कर रहा था। चाचा ने आकर के बीच पड़ाव किया, जिसमें कि भतीजे ने क्रोधित होकर के उनके ऊपर फावड़े से वार कर दिया। बीच बचाव में आई चाची को भी चोटें लगी। इस घटना में चाचा की मौके पर ही मृत्यु हो गई है तथा इलाज के लिए लाई गई चाची को बहराइच से लखनऊ रेफर किया गया था। रास्ते में पता चला है कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर इसमें हत्या और हत्या के प्रयास का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना हैं। मौके पर शांत व्यवस्था बनी हुई है तथा इसमें अग्रेतर विधि